नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में आने वाली सबसे पहली वैकेंसी इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के बारे में, जो कि अभी आ चुकी है। तो उसका संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको RSMSSB की साइट पर जाना है, उसके बाद आपको RSMSSB.rajasthan.gov.in मिल जाएगा। उसके बाद आपको न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में जाना है, डाउनलोड कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही आपको मिल जाता है सुष्टा के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम है, पाठ्यक्रम निम्नानुसार है, यानी कि आपको दो स्कीम रहेगी। फर्स्ट होगा आपकी रिटर्न टेस्ट, उसके बाद अर्हता टंकण गति परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। तो फर्स्ट जो पेपर होगा उसके अंदर योग्यता परीक्षण सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 होगा। उसके बाद 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अगर आप इसको पास कर लेते हैं फर्स्ट को रिटर्न टेस्ट, उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होगा। 15-15 मिनट के अंदर आपको लिया जाएगा। यहाँ लिखा अर्हता टंकण गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। यह योग्यता प्रसूची परीक्षा के भाग ए से प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी, किंतु केवल वे अभ्यर्थी जो टंकण गति अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में शामिल किए जाने के प्राप्त होंगे। यानी कि ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम जो रिटर्न एग्ज़ाम है, तो आपकी जो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो रिटर्न एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी। यानी कि टंकण के अंदर जो अगर आपने केवल आपको पास करना है, इसको केवल क्वालिफाई करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। यानी कि इसके अंदर कोई आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो आपको केवल पास करना है। यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम जो है रिटर्न टेस्ट, उसके अंदर के जो मार्क्स जो आएंगे उससे ही आपकी मेरिट बनेगी। उसके अंदर आपको लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरण जो है यहाँ पर दे रखा है। देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले ABCDEFG तक दे रखा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान, मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस जो है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यहाँ पर डिजिटल वेरियस एनालॉग नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल जो चेंजेस हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, लैन, मेन, वैन, सर्च एंड सर्विसेज के बारे में दिया है, ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर्स, वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, HTML टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स वगैरह यहाँ पर दिए गए। उसके बाद है सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द वायरसेस अटैक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फायरवॉल्स एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप्स एंड रीस्टोरिंग डेटा। लास्ट रह जाता है एल्गोरिदम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स आगे पूरी कॉन्सेप्ट, उसकी इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट एंड इट्स एडवांटेज। तो बहुत मैं मोस्टली पार्ट जो है वो आपका कंप्यूटर ही रहेगा, और कुछ एक पार्ट जो है वो आपका जनरल नॉलेज जो है वो आपको फर्स्ट ए पार्ट जो है उसके अंदर आपका रहेगा, बाकी मेजर पार्ट जो है वो आपका रहेगा कंप्यूटर का। उसके बाद सेकंड दे रखा है टंकण गति परीक्षण, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रैक्टिस करनी है, और इसके अंदर आपका पूरा बिना किसी यानी कि आपको क्वालिफाई करना है, और विज्ञप्ति यहाँ पे लिख रखा है कि संख्या विज्ञप्ति रिक्तियों पदवार के लगभग 3 गुना, यानी कि जो कैटेगरी बांट रखी है उसके हर कैटेगरी के अंदर 3 गुना जो है कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट होंगे इसके अंदर टंकण परीक्षण। उसके बाद टंकण परीक्षण लिया जाएगा। सामान्य मार्गदर्शन, यहाँ पर प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो भारत में विधि स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक कक्षा जैसा होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के विस्तार की संक्षिप्त रूप से रेखा अभ्यर्थी के सामान्य मार्गदर्शन के लिए अनुसूची में बनाई गई है, किंतु इसका सर्वतोपूर्ण करना आंसर सही नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी को हस्तलेख 100 पट्ट न हो तो उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों में इस कारण कुछ अंकों की जो उसे अन्यथा पोतपोत होते हैं कटौती कर दी जाएगी। परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रश्न बहुविकल्पिक प्रकार या वर्णनात्मक प्रकार के दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद है परीक्षा के प्रश्न पत्रों में समृद्ध वर्णनात्मक प्रश्नों के शब्दों की समुचित स्मित व्ययता के साथ की जाएगी।
की गई सुव्यवस्थित प्रभावशाली या सही अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाएगा। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करें, लिखित परीक्षा में 18 अंक अभी प्राप्त किया हुआ समझा जाएगा, किंतु अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में अर्हता जो है 36% ही रहेगी, यानी कि बाकी 40% रहेगी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 36% रहेगी। उसके बाद यानी कि बोर्ड कुल मिलाकर 3 तक अनुग्रह अंक प्रदान कर सकेगा कि उसके बाद नीचे की तरफ ये बोर्ड की वेबसाइट वगैरह दे रखी है। और ये कुछ था इसके अंदर, ये पूरा सिलेबस इसके अंदर डिस्कस कर ले आए हैं। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ या आपको भी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।